देखिए ना, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 88 एक्स प्लस 1207, याद रखिएगा। मैं आपको जस्ट आई एम टेलिंग यू द मिडिल टर्म इज स्प्रेडिंग, देखिए मिडिल टर्म इज स्प्रेडिंग एंड इस स्टैंडर्ड फॉर्म इज, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी होता है, यानी कि ये खुद आपके अपने आप में इट्स ए ट्राइनोमियल, ये आपका ट्राइनोमियल होता है आपके नाव देखो दिस इज, और ट्राइनोमियल के साथ हाईएस्ट पावर आपकी नाव देखो ये टू होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए वेयर ए इज इक्वल टू आपका नाव देखो दिस द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, बी इज इक्वल टू आपका कोफिशियंट ऑफ एक्स हो गया, और सी इज इक्वल टू आपका नाव देखो दिस द ये कॉन्स्टेंट टर्म हो गया कॉन्स्टेंट टर्म। इस सवाल को आज मैं दो मेथड से बताऊंगा फिर दोबारा, मिडिल टर्म स्प्रेडिंग अगर कहीं आपको दिक्कत करती है तो इस सवाल को आप कैसे कर सकते हैं। जैसे आप टेक एन एग्जांपल आपका नाम दिस सॉल्यूशन तो ना दो ये आपका दिस 1x² - 88x और प्लस आपका नाम दिस 1207। देखिए ये खतरनाक सवाल अपने आप में इसलिए है, खतरनाक नहीं है प्रैक्टिस जब आप करोगे, क्योंकि देखो लास्ट में आपका देखो ना 7 इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ और वन, जो अपने आप से डिवाइड होता है और वन से, पहली चीज तो ये खासियत है इसमें। अब 12 कायदा इसका क्या है कि जो मिडिल टर्म स्प्रेडिंग है आपका नाम देखो जो नॉर्म्स है ऑफ मिडिल टर्म स्प्रेडिंग, इनकी जो नॉर्म्स होती हैं वो आपका देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये फॉर्मेट है ये पॉजिटिव होता वहां नेगेटिव साइन है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका देखो ना, लेकिन फॉर्मूला अब आपका देखो पहले आपने क्या करना ए मल्टीप्लाई विद सी टू मेक द प्रोडक्ट, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करिएगा और प्रोडक्ट बनाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को ए को सी के साथ कॉन्स्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करिएगा प्रोडक्ट बनाएगा। उसके बाद देखो जब ये प्रोडक्ट आ जाएगा इस प्रोडक्ट को आप क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, ध्यान से, और जब ये आपका फैक्टराइज हो जाएगा तो इनके फैक्टर्स को आपका देखिएगा कलेक्ट करिएगा सॉरी, और जब आपके फैक्टर्स आपके कलेक्ट हो जाएं, जब आपके फैक्टर्स तो इनको एडजस्ट करिएगा बाय एडजस्टिंग एडजस्ट बाय मल्टीप्लाइंग विथ प्लस और माइनस टू ब्रिंग बी एक्स, बी एक्स का मतलब ही आपका मिडिल टर्म होता है। जैसे वहां पे माइनस 88 एक्स है बिल्कुल आ जाएगा, देखिए आपका 101% आएगा। अब आप देखो ये इसकी नॉर्म है, अब जैसे आपने क्या किया वन द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन को 1207 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 1207 प्रोडक्ट बन गया 1207 इसके हिसाब से, देखिए प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद देखो आपका अब 1207 को आप फैक्टराइज करेंगे, देखो फैक्टराइज अब यहां आपने कहा यार 2n + 1 = 3, 3 + 7 = 10, 1 ये तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये नंबर में सब कुछ छिपा हुआ है। अभी इतना दिमाग लगा देखो ये 2 से नहीं जाता क्योंकि ऑड नंबर है, ये 3 से नहीं जाता, अगर आपका 27 भी अगर आप देखते हैं तब भी नहीं जाता, 2n + 1 = 3 हो गया क्योंकि 7 आपका 7 के 3 की मल्टीप्लिकेबल में आने के लिए सारे नंबर 3, 6, 9 ऐड करके आने चाहिए, 15 भी है तो 15 का मतलब 1 + 5 = 6 हो गया, 24 है तो 24 का मतलब 2 + 4 = 6 हो गया, इसका मतलब 4 की टेबल में आ नहीं सकता, 6 की टेबल में आ नहीं सकता, 8 की टेबल में आ नहीं सकता, 10 की टेबल में आ नहीं सकता, 12 की टेबल में आ नहीं सकता, 14 नहीं आ सकता 16 क्योंकि 7 तो भाई जब ये ऑड की टेबल में नहीं आ सकता, ये इवन की टेबल में नहीं आ सकता, फिर ये आपका किसकी टेबल में आता है, इसका मतलब यहीं से ही मुझे आइडिया लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये दो नंबर मिलकर के हो सकते हैं 17 ये 17 और उल्टा कर दो 7 प्राइम नंबर,
17 भी प्राइम नंबर है और 71 भी प्राइम नंबर है, इसी नंबर इन दो को छोड़ के इन दोनों को मैंने आगे पीछे कर दिया। जरा करिएगा तो, क्योंकि देखो माइनस का 17 माइनस के 77 से जब ऐड होगा माइनस का 88 आ जाएगा। बहुत टेढ़ी खीर है देखो, तभी मैंने कहा अगर ऐसा नंबर कोई दे दिया तो सबकी हवा निकल जाएगी। तो देखो इसका देखो 17 71 जा देखो 17 7 जा देखो 102 आपका, और उसके बाद आपका 17 बचा आपका ना देखो 17 1 जा 17 भाई 17 7 जा कितना होता है जरा 119 होता है भाई 1 आपका देखो ना सॉरी 17 देखो 17 1 17 7 जा 119 तो आपका देखो 17 आ गया। तो 17 71 जा देखो, अब ये फैक्टर देखो ये फैक्टराइज किया हमने, देखो सारा जुगाड़ बता रहा हूं। और जब फैक्टराइज हो गया फैक्टराइज होकर के देखो आपका इसके बाद आपके फैक्टर्स आए और ये फैक्टर्स आए देखो 17 और 71। मजे की बात दोनों ही प्राइम नंबर, क्योंकि इसके पीछे प्राइम नंबर लगा था 7। आपका देखो ये हो गया फैक्टर्स, आपके देखो इन फैक्टर्स को एडजस्ट कर लिखा साफ साफ देखो माइनस का 70 माइनस के 71 से जब ऐड होगा तो माइनस का 88 आएगा, और माइनस का 17 जब माइनस के 71 से मल्टीप्लाई होगा तो 1207 प्लस का। ये आप ऐसे करते हैं इनको मिडिल टर्म का, ये प्रोसीजर है। लेकिन प्रोसीजर में कभी कभी ऐसे बड़े बड़े उत्पूर्णांक नंबर्स में आपका फंस जाते हैं, और वो भी अगर लास्ट में प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर होगा कोई दिक्कत नहीं होगा, इवन नंबर होगा कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका याद रखिएगा ऑड नंबर में कोई दिक्कत, लेकिन अगर प्राइम नंबर है तो अब मुझे जब मैं फंसने लगा मैंने कहा यार छोड़ो अब ऐसा करते हैं लास्ट में लास्ट और फर्स्ट नंबर को आगे पीछे करके 1 और 7 17 7 और 1 17 इससे डिवाइड कर लो तो बिल्कुल आपका हो गया। अब आप करो हाँ किससे ये मल्टीप्लाई नहीं है माइनस है ये तो 70 तभी आ रहे 17 7 जा तभी तो मल्टीप्लाई हो गए 119 10 में से इनके 17 बन जा ये हो गया। अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिट, तो देखो ये स्प्लिट करना था, इसके लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनके फैक्टर करें, जो प्रोसीजर आपके सामने है देखो तो ना 1x² माइनस 17x माइनस 17 1x और प्लस 1207 ये देखो माइनस का 17 माइनस का 71 माइनस का और माइनस माइनस का प्लस एवरी लाइन इज लिंक विद द इनिशियल वन प्रीवियस वन अदर जी फॉर ग्रुप सी इन दोनों के एक्स एक्स माइनस 17 इन दोनों में एक्स कॉमन यहां एक्स बचा यहां इफ द फर्स्ट बाइनोमियल इज कमिंग 7 आपका नेगेटिव सेकंड ऑर्डर लेकिन पहले इन दोनों में देखो क्योंकि ये 17 71 जा 1207 होता है 71 दोनों में माइनस का कॉमन ले लीजिए यहां से 71 भाग ये एक्स देखो यहां से 71 भाग देखो फर्स्ट बाइनोमियल इज नेगेटिव सेकंड भी नेगेटिव है एक्स माइनस 17 और एक्स माइनस 17 ये इसका पक्का मेथड है वन ऑफ द बेस्ट मेथड लेकिन कभी कभी ऐसे नंबर्स पे अगर आप फंस जाते हैं तो फिर क्या करेंगे ये जो बीच का नंबर होता देखो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आता है ऐड और सब्ट्रैक्ट करके लेकिन जब आप इसको देखेंगे ये देखो आपका ये ए प्लस बी हो और ये दोनों मल्टीप्लाई करके आते हैं ए और बी को मल्टीप्लाई करके आते हैं दोनों नंबर ये देखो अगर आप देखेंगे इसका मतलब क्या होगा ए प्लस बी इज इक्वल ये माइनस 88 है देख लीजिए और ये ए बी इज इक्वल टू ये 1207 पीछे वाला नंबर मल्टीप्लाई करके आता है नंबर जो आपने अभी देखा है दोनों मल्टीप्लाई करके और ये नंबर आपका ऐड और सब्ट्रैक्ट होके आता है तो ये माना जाता है जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में ए प्लस बी दो नंबर्स को देखो दो नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं देखो प्लस या माइनस तो आप करो माइनस 17 तो माइनस 71 जब ऐड होगा
अब यहां पे ही है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला, और वो क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस फोर ए। ये आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का मतलब कितना हो गया 88 माइनस 88 का स्क्वायर, साइन जरूर देखना, और आपका ये माइनस 4 इंटू 12 07 ए बी की वैल्यू। याद रखिएगा इफ एनी निगेटिव नंबर हैज इवन पावर, इफ एनी निगेटिव नंबर हैज इवन पावर आंसर इज आपका देखो पॉजिटिव। तो देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल माइनस 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 का प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस 88 इंटू 88 को 88 से मल्टीप्लाई करो कितना आता 88 था 64 88 था 64 आ गया, और उसमें जोड़ दीजिएगा कितना है 88 का स्क्वायर, अरे सीधा सीधा 8 से एक नंबर कम, 8 से एक नंबर कम 7, और 8 का आधा, 8 का आधा हाफ है ना 7744 आ गया, ठीक है, और माइनस इससे 4 4 7 28 4 2 8 आपका देखो हो गया, इससे ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 2916 आ गया, इसमें से माइनस कर 14 में से 8 गया 6 था, 3 में से 2 गया 1 आपका देखो ना, 17 में से 8 गया 9 और इधर 6 में से 4 गया 2, और ये ए माइनस बी यहां से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ आपका हमेशा स्क्वायर रूट आएगा, याद रखिएगा, तब आपका अब आप करेगा ए माइनस बी 29 16 स्क्वायर रूट निकालना आता है, देखिए पहले मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना भी बता दूं, मुझे जो लगता नहीं आ रहा, देखो 2916 अगर ये आपका देखो आपका पेयर क्या है, कोई बात नहीं इससे कुछ नहीं पड़ा, अगर ये ग्रुप बना करके आपका देखो ये ग्रुप बना के, तो देखो इसमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा 5 5 जा 6 6 आता है, तो देखो 5 5 जा 5 5 जा 25 9 में से 5 गया 4, ये पूरा नंबर उतरता है स्क्वायर रूट में, याद रखिएगा 5 प्लस 5 दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे 10, अब आप करोगे 4 4 जा 4 4 जा 16 क्योंकि जीरो लगा 4 1 जा 4 इसका था 54 स्क्वायर रूट 54 इंटू 54 हो गया है स्क्वायर रूट में, यानी कि इसको 2916 को जब आप लिखेंगे तो जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन विल बी रिटन ट्वाइस, दो बार आप लिख देंगे और उसका ग्रुप बाहर निकल के पेयर बन के 54। अब आप करें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, देख लीजिएगा कैसे कर रहा हूं, अब देखो ए प्लस बी इज इक्वल टू देखो ना ए प्लस बी इज इक्वल टू देखो माइनस 88, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और a माइनस बी इज इक्वल आपका देखो ए 54 है, इक्वेशन नंबर 2 है, देखिए ये देखो यहां पे सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय एलिमिनेटिंग मेथड, एलिमिनेटिंग मेथड का मतलब किसी एक को तो मंच छोड़ के जाना पड़ेगा, तो ये प्लस और माइनस है देखो, तो जब आपका कुछ साइन चेंज नहीं करना है आपका ऑन एडिंग ये क्लास 1 एंड 1 एंड 2 है, इसे देखो ये कितना हुआ 88 में से माइनस 34 हुआ हो गया, तो आपका 2a इज इक्वल टू माइनस तो a इज इक्वल टू माइनस 34 बाय 2 माइनस 70। याद रखिएगा साइंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस आपका प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये मैं आपका बिल्कुल क्लियर लिख रहा हूं, क्योंकि देखो a प्लस बी इज इक्वल आपने माइनस 88 लिया था आपने यहां पे देखो, इसलिए अब आपका देखो सब्सटीट्यूट ए इज इक्वल टू माइनस 17 इक्वेशन नंबर 1 में रखिए या 2 में रखिए आपकी मर्जी, देखो यहां पे मेरा ये ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 88 इक्वेशन नंबर 1 ए की वैल्यू देखो माइनस 17 ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 88 तो बी इज इक्वल टू माइनस 88 और ये इधर आएगा आपका 17 या आपका ओटी में जाएगा तो नेगेटिव विल बी चेंज इनटू द पॉजिटिव वन, देखो बी इज इक्वल माइनस 17 तो देखो ए की वैल्यू आपका माइनस 17 और बी की वैल्यू देखो आपका माइनस 17
हो गया सर, हो गया। इसका मतलब ये क्या होगा, माइनस 17 और माइनस 71 जब ऐड होंगे तो माइनस 88 आएंगे। और एंड आपका माइनस सॉरी माइनस 17 और इंटू माइनस 71 जब माइनस माइनस का देखो प्लस, और 1771 जब ना 1207 ये प्लस का आएगा। तो बस अब जब ए और बी की वैल्यू आ गई तो तुरंत आपने देखो एक्स स्क्वायर माइनस 88x प्लस 1207 ये लेंदी मेथड है, लेकिन आपको ये वहीं ला करके रख देगा। अब आप रफ कॉपी में इसको कर रहे हैं तो किसी को क्या पता भाई, यहां आकर के आपका देखो ये ए की वैल्यू आ गई बी की, क्योंकि द सम ऑफ है। तो देखो चुपचाप एक्स स्क्वायर माइनस ये देखो माइनस 17 के पीछे एक्स लगा दो, माइनस 71 के पीछे एक्स लगा दो, और प्लस 1207 ये आपका ये मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग हो गया। अब आपका एक्स एक्स कॉमन ले लीजिएगा देखो नाउ एक्स माइनस 17 ये देखो माइनस 71 क्योंकि 17 तो 71 आपका देखो कॉमन आ गया, आपका देखो एक्स माइनस 70 क्योंकि माइनस 71 आपने कॉमन लिया, क्योंकि माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस आ गया देखिए। और ये आपका इफ द फर्स्ट बाइनोमियल इज कमिंग नेगेटिव सेकंड विल कम ऑटोमेटिकली नेगेटिव, एक्स माइनस 17 और आपका देखो एक्स माइनस 71। तो देखो अगर कभी प्राइम नंबर वाले केस में अगर आप फंस गए तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर लीजिएगा, इसमें साइन भी आप जरूर देखिएगा, और उसके बाद आज ये घर जाकर के किसी और चैनल पे भी जरूर देखें आप प्लीज, तभी मजा आएगा। देखिए नाउ इट इज ए स्मॉलर क्वेश्चन, आपका नाम देखो दिस वो है आपका नाम सेकेंड क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस ये 1x² माइनस 1x आपका देखो और माइनस 130। इसमें देखिए इसमें क्या है हाईएस्ट पावर आपकी देखो ना हाईएस्ट पावर इज आपका नाम देखो 2, हाईएस्ट पावर 2 है और आपका नाम देखो दिस ट्राइनोमियल है, और ट्राइनोमियल में भी आपका देखो 1 पॉजिटिव है, 1 इज पॉजिटिव आपका देखो 1 इज पॉजिटिव ये 2 आपका, और अनदर इधर सर प्लीज अदर 2 यहां अदर 2 और आपका देखो नेगेटिव इधर सर जोशी जी इधर देखिए। हाँ देखो इसका मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का आपका पूरा फॉर्मेट ही है देखो, तो वहां देखिए आपका नाम ये 1 मल्टीप्लाई विद 132 आपका देखो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर व्हिच इज 1 इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद सी कांस्टेंट आपका 132 है। तो देखो 132 ए इंटू सी इज इक्वल प्रोडक्ट बन गया, देखो प्रोडक्ट को फैक्टराइज करो, 2 इवन नंबर है तो ना देखो 2 6 2 6 नाउ 2 3 3 नाउ 3 1 1 आप 1 11 1 जा भी कर सकते हैं अगर जब तो देखो फैक्टोराइज हो गया, ये देखो फैक्टोराइज हो गया, फैक्टोराइज सब हो गया। देखो अब इसके जो फैक्टर्स हैं फैक्टोराइज होने के बाद फैक्टर्स को देखो फैक्टर्स क्या है 1 2 2 3 11 प्राइम नंबर 1 ऑड नंबर है, द लीस्ट प्राइम नंबर इज 2 इन इवन नंबर, अदर 3 इज द लीस्ट प्राइम नंबर इन ऑड नंबर्स, और ये 1 अपने आप में ऑड नंबर, 11 तो अपने आप प्राइम नंबर है आपका नाम देखो दिस। अब इसका इनको एडजस्ट करिए और एडजस्ट करके माइनस 1x लाइए, तो देखो 2 1 2 2 4 3 12 माइनस का 12 और प्लस का 11 जब एड और सब्ट्रैक्ट कुछ भी होंगे आपका नाम देखो तो माइनस का 1 आएगा देखिए वो सामने आपके, और माइनस का 12 और माइनस का 11 जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 130 माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का है। ये साइन बहुत देखो साइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है प्ले आपका देखो जैसे अभी आपने बताया। तो देखो अब आपका यहाँ पे आप क्या करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने लिया तो देखो 1x² माइनस देखो 12x में से प्लस का 11x गया और माइनस देखो 130 जी फॉर ग्रुप सी फॉर इन दोनों का एंगल एक्स एक्स दोनों में कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ एक्स इज रिमेनिंग एक्स इज ऑलरेडी आउट माइनस 12 अगर ये प्लस का 11 क्योंकि 11 12 था आपका नाम 11 11 कॉमन तो देखो फर्स्ट बाइनोमियल इज कमिंग नेगेटिव आपका देखो सेकंड ऑटोमेटिकली आपका नेगेटिव होगा सी कॉमन तो आपका एक्स माइनस 12 और आपका
ये आपका एक्चुअल में जब आपका छोटे नंबर्स होते हैं, लेकिन कभी कभी छोटे नंबर्स भी आपका बड़ा परेशान करते हैं। अब आपका अगर इसमें एक बार चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस देखो 1x - 133, तो देखो ये अब यहाँ पे जो है ए प्लस बी इज इक्वल टू देखो -1, ये दोनों नंबर्स का ऐड है आपका देखो, और यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ये -132। नंबर साइन जरूर देखिएगा, साइन बार बार कह रहा हूं। अब आप करो ना, अब यहां पे फॉर्मूला अप्लाई, मेरा काम है दोनों से मेथड बताना, आप दो नंबर के मार्क्स लिए थे लेकिन ऐसा कभी फंस गया, जैसे अभी 1207 में आपका था, आपको पता कि प्राइम नंबर 17 से 71 जाकर के तब आपका आया था, तो इसलिए वो जो आप देख रहे थे 1207 वाले फॉर्मूला, यहां पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस फोर होल, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू देखो माइनस वन का स्क्वायर और माइनस आपका ए फोर इंटू ए बी की जगह में, ए बी की जगह में माइनस, इफ एनी निगेटिव नंबर हैज ए इवन पावर आंसर आपका देखो हमेशा पॉजिटिव, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल माइनस माइनस का प्लस वन और माइनस माइनस का प्लस, तो आपका फोर टू सा एट, फोर थ्री सा ट्वेल्व हो गया, तो ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल 529, तो ना जी ए माइनस बी जब स्क्वायर इधर से आएगा ये एक्चुअल में कायदे से 529, माइनस की वैल्यू नहीं लेते हैं, 529 का अगर आपको 529 का स्क्वायर रूट नहीं निकालना था, देखो ये आपका क्या है आपका थ्री नंबर्स है इसमें, तो आप पीछे से पेयर बनाते हुए आइए, उसमें फोर नंबर था इसमें थ्री, तो देखो ये टू टू जा फोर, ये देखो आपका ये वन पूरा पेयर वर्क 29 फोर आपका देखो दिस इज ए टू एंड प्लस टू आपका, तो देखो सेवन या थ्री 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 जा नाइन और थ्री फोर जा 23 थर्ड कर देते सॉल्व इक्वेशन नंबर वन एंड देखिए इक्वेशन नंबर टू बाय एलिमिनेटिंग मेथड, एलिमिनेटिंग मेथड में किसी एक को तो मंच छोड़ के जाना है, ये जो आप कहते हैं देखो आपका ए को जाना है या बी को जाना है या आपका देखो इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है बेसिकली आपका देखो नाम देखो कि इसमें ऑलरेडी आपका नाम देखो साइन होते हैं, साइन होते हैं देखो इसमें ये प्लस माइनस है, तो जब आपको साइन चेंज नहीं करने होते ऑन एडिंग लिखते हैं एलिमिनेटिंग मेथड, ये प्लस और माइनस कैंसिल है, तो वन ए एंड वन ए आपका देखो टू है और 23 में से 1 गया आपका देखो 20 ए इस बड़े आपका देखो 22 बाई ए 2 आपका देखो 11 ये आपका देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आपका गया। अब आपका देखो सब्सिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए इस बड़े प्लस 11 इन इक्वेशन नंबर 1 यहां डाल दीजिए आपका ए प्लस बी इस बड़े ये माइनस 1 इक्वेशन नंबर 1 ए की जगह में 11 प्लस बी इस बड़े माइनस 1 तो बी इस बड़े देखो इधर आएगा माइनस 1 और माइनस 11 ओटी में चला गया b is equal to minus 2, तो देखो therefore a is equal to 11 और b is equal to minus 2, इधर देखो यहाँ please यहाँ देखो a plus b का मतलब आपका जो 11 plus minus 12 ये देखो आपका नाम ये is equal to आपका 11 minus 12 is equal to minus 1 और आपका देखो and a into b a का मतलब देखो 11 और into minus 12 आपका देखो ये equal to minus 130, अब आपका बस ये आ गया, इसके बाद सीधा सीधा मिडिल टर्म इस पढ़ें जिसको ऐसे नहीं आता देखो अब आपका मैंने काम तो बताना देखो ना अब 1x² - 1x - 132 ये मिडिल टर्म इस पढ़ेंगे ये बता रहा है देखो 1x² - 12 देखो माइनस के 12 के साथ x लिखो और प्लस का 11x और माइनस आपका देखो 130 x - 12 आपका चेक कर लेना माइनस के 12 में से प्लस x² नहीं x² है हां x² है
कोफिशिएंट वही तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, जब मल्टीप्लाई आप करते ना तो ए वन इंटू वन थर्टी टू ए इंटू सी उस हिसाब से लगा, आप यहाँ नहीं लगाते कोई देखो लेकिन आपका देखो इसके हिसाब से अभी तो ये देखो पूरा दूसरा मेथड आपका बता दिया। अगर आप फंस जाते हैं तो देखो प्लस इलेवन सिफर दो प्लस फर्स्ट बाइनोमल इज नेगेटिव सेकंड नाइन प्लस प्लस का प्लस प्लस माइनस का माइनस एक्स माइनस स्क्वायर। अब एक अच्छा बच्चा जो होता है वो आपका देखो एक्स इलेवन पहले प्लस को लिखेगा और फिर माइनस, जैसे यहाँ को लिया है। अगर अच्छा बच्चा होगा तो इलेवन को पहले लिखेगा और आपका जो माइनस आपका माइनस वन थर्टी टू इज साइन। तो देखो ये था कि दोनों मेथड से मैंने बताया अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में छोटे नंबर में कभी दिक्कत नहीं होती, बड़े में दिक्कत होती आपका कैसे आप करेंगे ये आपका प्लीज डू इट। देखिए लास्ट सवाल देखिएगा सॉल्यूशन नंबर थ्री, इसको देखो ये आपका ना एक्स स्क्वायर प्लस सेवन रूट फाइव एक्स प्लस फिफ्टीन। ये सवाल बेसिकली अब आपको एक चीज और समझा दूं, इसको अगर आप उस वाले सवाल से थोड़ा सा करेंगे तो थोड़ा दिक्कत क्रिएट कर सकता है, जो अपने ए प्लस बी इजिकल टू सेवन रूट फाइव और ए बी इजिकल टू फिफ्टी आपका ना, फिर भी ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बारह अब मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बता दूंगा, ये देखो क्या था जाते आपका देखो लास्ट में आपका ये आपका ए वन इंटू देखो फिफ्टी देखो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज ए ए मल्टीप्लाई विद सी सी का मतलब कॉन्स्टेंट, ये देखो आपका फर्स्ट आपने क्या बनाया फिफ्टी ये प्रोडक्ट बना। ये सवाल तो रूट वाले अगर बच्चे ने कर दिए ना वो चाहे इधर हो या इधर हो इसका मतलब बच्चा औसम है। जो बड़े बड़े जैसे आपने फैक्टराइज करने वाले आप फंस गए प्राइम नंबर आ रहे हैं जैसे आपका वो अगर आपने कर लिया इसका मतलब अभी तक के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अब आपको क्लियर है। जिसमें इसमें याद रखिएगा मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर जिसको नाइन्थ में पॉलिनोमियल आ गया इसका मतलब उसकी मैथमेटिक्स सॉलिड है, ये याद रख लीजिएगा इन चीजों का मान लीजिए। और आप तो इतने ऐसे अच्छे अच्छे स्कूलों के बच्चे हैं आप तो जाकर के आप ये देखो आप अपने स्कूल के बच्चों को हर ट्यूशन सेंटर में आज बच्चा होगा आपके यहाँ का हर कोचिंग सेंटर में आप ट्राई तो करो जो मैंने बताया और जो आप सबसे बड़े इंस्टीट्यूट के बच्चे को ले लीजिए कि भाई इस सवाल को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अलावा किसी और दूसरे से हो सकता है वो बता देगा आप होता है या नहीं होता वो कहेगा मैंने तो ऐसे पढ़ा मेरे को तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बताई थी तो वो चीजें देख लीजिए। तो देखो अब 50 को फैक्टराइज कर दीजिए 225 सर और 5 सर 1 लिखते हैं तो भी आई हैव नो प्रॉब्लम ये आपने फैक्टराइज कर दिया। अब इससे बाकी मैं क्या करूं देखो फैक्टराइज करने के बाद आपके जो फैक्टर्स हैं 1 2 5 अब इनको फोर्थ में दे दो इन फैक्टर्स को आप एडजस्ट करिए यहाँ पे एडजस्ट है क्यों एडजस्ट करके आपको लाना क्या सेवन रूट फाइव ये लाना ये मिडिल टर्म लाना होता आपका देखो एम टी अब आप देखो इसका मतलब देखो ये देखो ठीक हो गए वन टू फाइव इस रूट फाइव को लेकर रूट फाइव और रूट फाइव लिख दीजिए ये जो फाइव है लास्ट का या ये वाला एक फाइव को आपने ऐसे लिख दिया एक फाइव को रूट फाइव इंटू रूट फाइव लिख रूट फाइव क्या होता है होता अब बता दे ठीक हो गई ये देखिए याद देखिए देखो टू वन जा टू रूट फाइव और फाइव रूट फाइव जब ये ऐड होंगे फाइव प्लस टू ये भी मिक्स ऑड हो गए मिक्स ऑड तो देखो आगे के नंबर ये लाइक टर्म है लाइक टर्म दीज आर द लाइक टर्म आपका ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे देखो रूट फाइव एक ही रूट फाइव आएगा और आगे के नंबर आपका देखो सेवन रूट फाइव आगे देखो अबे टू रूट फाइव को जब आपका देखो सॉरी टू रूट फाइव को फाइव रूट फाइव से जब आप मल्टीपल तो फाइव टू सा टेन और रूट फाइव इंटू रूट फाइव फाइव तो टेन फाइव सा आ गया इन्हीं नंबर से आए ना एक बार ऐड करकेगा देखो तो ये दिस इज द प्रोसीजर इज इट क्लियर सर आपको क्लियर है आपको क्लियर है मैत्री आपको क्लियर है श्योर तो देखो अब आप मिनट एक्स स्क्वायर
प्लस देखो टू रूट फाइव के साथ एक्स यूज और फाइव रूट फाइव के साथ एक्स का प्लस देखो। तो देखो जी फॉर ग्रुप और सी फॉर कॉमन एक्स कॉमन ले लीजिएगा एक्स प्लस टू अपन एक्स कॉमन लिया देखो एक्स प्लस टू रूट फाइव सॉरी देखो और प्लस ये देखो अगर इसको देखेंगे देखो फिफ्टी को देखो यहाँ फिफ्टी को टू रूट फाइव इंटू फाइव रूट फाइव देखो फाइव टू जै टेन रूट फाइव देखो फिफ्टी वन अब देखो फाइव रूट फाइव दोनों में कॉमन ले लीजिए देखो फाइव रूट फाइव कॉमन यहाँ देखो आपका फर्स्ट बाइनोमियल पॉजिटिव प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती ये तो आंख बंद करके आपका देखो जब यहाँ देखो फाइव रूट फाइव रूट फाइव यहाँ से तो यहाँ एक्स बचा टू रूट फाइव यहाँ बचा सॉरी एक्स प्लस टू रूट फाइव तो ये था आपका नाम मिडल टर्म में से। अब आपने घर जाके क्या करना है जो एनदर मेथड है एनदर मेथड में आप क्या करेंगे ए प्लस बी इज इक्वल सेवन रूट फाइव ले लेंगे और ए बी मल्टीप्लाई करके एक फिफ्टी ले लेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे इसमें फॉर्मूला अप्लाइड करके आपका नाम देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखिए और आपका देखो ये आपका माइनस आपका फोर इंटू फोर ए बी है ना आपका मतलब क्या लिखा होता है फोर ए बी है ना ये तो फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी का होता है सेवन रूट फाइव का स्क्वायर माइनस फोर इंटू आपका फिफ्टी ए माइनस बी इक्वल आपका सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन इंटू फाइव हो गया और माइनस ए फोर फिफ्टी जा फोर फाइव जा ट्वेंटी एट जीरो आ गया ए माइनस बी इज इक्वल आपका होगा ठीक है नहीं तो कोई फांसी थोड़ना लग रही है सवाल तो हमने कर ही दिया हम तो चेक कर रहे हैं क्या हो सकता है रूट वाले तो देखो सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव फोर फाइव फोर जा कितना हुआ ट्वेंटी हो गया माइनस ट्वेंटी ए माइनस बी सॉरी स्क्वायर स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल फोर्टी ए माइनस बी इज इक्वल रूट के अंदर आपका फोर्टी फाइव प्लस माइनस में तो देखो ए माइनस बी इज इक्वल आपका क्या हुआ थ्री रूट फाइव क्योंकि नाइन फाइव सा नाइन का स्क्वायर रूट रूट फाइव ऐसे आ गया इज इट क्लियर ये आपका देखो सेकेंड इक्वेशन नाउ देखो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर वन है इक्वेशन नंबर टू बाय एलिमिनेटिंग मेथड तो देखो ए प्लस बी इज इक्वल टू सेवन रूट फाइव इक्वेशन नंबर वन और ए माइनस बी इज इक्वल टू थ्री रूट फाइव आपका जब आपको साइन चेंज नहीं करते आपका ऑन एडिंग आपका ए टू है और प्लस ये आपका टेन रूट फाइव सॉरी आगे के नंबर जुड़ेंगे इधर सर तो देखो ए इज इक्वल टू टेन रूट फाइव बाई टू अब आप करो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट द है वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू फाइव रूट फाइव इन इक्वेशन नंबर आपका वन में डाल दीजिए ए प्लस बी इज इक्वल टू सेवन रूट फाइव ए ए का मतलब फाइव रूट फाइव और प्लस बी इज इक्वल टू सेवन रूट फाइव तो बी इज इक्वल सेवन रूट फाइव माइनस फाइव रूट फाइव ये देखो ओटी में चला गया तो ना बी इज इक्वल टू रूट तो देखो ए इज इक्वल आपका सेवन रूट फाइव और देखो बी इज इक्वल आपका टू रूट फाइव आपका रिजल्ट देख लीजिएगा रिजल्ट जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है देखो ए प्लस बी का मतलब सॉरी फाइव रूट फाइव है ए का मतलब फाइव रूट फाइव और प्लस टू रूट फाइव आपका फाइव प्लस टू सेवन रूट फाइव और आपका देखो ए बी इज इक्वल आपका देखो फाइव रूट फाइव इंटू टू रूट फाइव फाइव टू जा टेन रूट फाइव कंप्लीट फाइव आ गया यहीं से बताना क्या आपका देखो फाइव रूट फाइव और टू रूट फाइव रूट फाइव टू रूट फाइव ब्रेक हो गया सेवन रूट फाइव इज इट क्लियर फाइन तो ये आपका दोनों मेथड से मैंने यहीं पे बता दिया डू इट प्लीज़